खोखराधाम हनुमान मंदिर खाते पूज्य कनकेश्वरी देवी श्री मुखे आयोजित श्री रामकथा पूर्णाहुति प्रसंगे आज देश चार स्थानों हनुमानधाम बनावा आयोजन अंतर्गत 108 फूटनी हनुमान जी मूर्ति उद्घाटन कर प्रसंगे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी वर्च्युअल जोड़ने लोकार्पण कर संबोधन कर पीएम मोदी मोरबी सत केशवानंद बापू सतो भूमि ने वंदन कर जूनी यादों वगोड़ी थी। भूकंप सहित मोरबी में आ संकट समय खोखरा हनुमान मंदिर में केशवानंद बापू साथ अँ सेवा आपता था। सेवा करने प्रेरणा केशवानंद बापू पास थी मड़ी हो गर्वभेर जु सतोनी भूमि मोरबीवासी ने खुमारी ने वखाणी थी। मोरबी में हनुमान जयंती अवसरे 108 फूट ऊंची प्रतिमा लोकार्पण अंगे हनुमान जी गुणगान गाया था। हनुमान जी शक्ति प्रतीक है छता पोता ने सेवक माने से जुं माता सीता ने शोधवा लंका थी परत ला भगवान श्रीराम की सेवा करी थी छता बधु भगवान श्रीराम की इच्छा थी थयानू जणाव्यु हतु। तेओए जे काई करे छे ते भगवान की मर्जी थी थतु होवानू जणाव्यु हतु। राम भगवान सौ कोई ने साथे लईने चालवानू शीखवे छे जे मंत्र मुजब भारतीय जनता पार्टी सौनो साथ सौनो विकास मंत्र पर चालती होवानू जणाव्यु हतु। पीएम मोदी मोरबी अनुभवों वधु काम आव्या होवानी यादों पण वागोड़ी हती। मोरबी एक औद्योगिक केन्द्र है तेमज मोरबी राजकोट जामनगर कच्छ मड़ीने जापान समान औद्योगिक केन्द्र बनी रही है। धार्मिक संबोधन उपरांत अंत में नागरिकों ने लोकल प्रोडक्ट पर भार मुकवा पण जणाव्यु हतु। लोकल फॉर वोकल मंत्र ने नागरिकों सार्थक कर सके स्वदेशी चीज वस्तुओं पर भार मुक्यो हतो। समग्र देश में चार हनुमान धाम पैकी एक मोरबी में बनवायो। हरिश्चंद्र नंदा एज्युकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारत ना चार खूणे भगवान हनुमान ना चार धाम स्थापना कार्य हाथ पर लीधु छे। 2008 में उद्योगपति निखिल नंदा द्वारा प्रोजेक्ट शुरू कर्या बाद 2010 में सीमला ना जाखू मंदिर खाते प्रथम हनुमान धाम बनाव्या बाद बीजु हनुमान धाम मोरबी ना खोखरा हनुमान मंदिरे बनाव्यु छे। 108 फूट ऊंची प्रतिमा बनावामां आवी छे जे अंगे नंदाए जणाव्यु एक आशीर्वाद छे के अमे आ प्रोजेक्ट ने समयनी अंदर पूर्ण करवामां सफल थया। तमाम भारतना नागरिकों माटे एक शुभ प्रसंग छे। छेलू वर्ष आपणे बधा माटे थोड़ू मुश्किल भर्यु हतु परंतु आगळ मोटी गति राह जोई रही हती। मने खात्री छे के आ प्रोजेक्ट आवनारा वर्षोमां भारतनी संस्कृति अने पर्यटनने गौरव अपाशे। और ये हनुमान जी चार धाम जिसका प्रकल्प हमने 2008 में लिया था और पहला हनुमान जी 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण 2010 में शिमला जाखू मंदिर में हुआ जो कि उत्तर दिशा में है। आज पश्चिम दिशा यहाँ पूज्य बापू केशवानंद जी के धाम में मोरबी में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे पश्चिम दिशा के 108 फुट के हनुमान जी का अनावरण है। फरवरी 2022 में हमने दक्षिण दिशा के रामेश्वरम धाम में हनुमान जी का शिलान्यास किया जो माननीय दत्तात्रेय जी होसबोले साहब ने किया और उसको भी संपूर्ण करने का हमारा 2024 जनवरी फरवरी तक का टारगेट है। इसके अलावा पूर्वी दिशा में असम में हमारे चौथे हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर 108 फुट के हनुमान जी का मूर्ति का काम जल्दी प्रारंभ होगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि अपने सनातन को आगे बढ़ाने का। वैसे ये विचार जब मैं 2004 में एक बार ब्राजील गया था तो वहां मैंने क्राइस्ट द रिडीमर देखे में है। हमने ये देखा कि अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं, हम भी ऐसा ही कुछ प्रकल्प करें। हनुमान जी क्योंकि हमारे ऐसे भगवान हैं जो चारों युगों में प्रकट रूप में कहा जाता है सतयुग द्वापर युग त्रेता युग कलयुग चारों युगों में हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो प्रकट रूप में रहते हैं धरती पर विराजमान। आज शिमला वाले हमारे हनुमान जी विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट स्टैचू एट द हाईएस्ट पॉइंट के रूप में उनकी नोटिफिकेशन होने के लिए अभी पेंडिंग है जिसकी वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इससे पहले वो रियो के क्राइस्ट का वो लेवल था पर हमारे हनुमान जी 108 फुट के हैं जबकि रियो के क्राइस्ट 98 फीट के हैं।
हमारे हनुमान जी 8,850 फुट की हिल टॉप पे है, रियो वाले क्राइस्ट 2,650 की हिल फॉल। खोखरा धाम हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है जो बहुत ही विख्यात है, यहाँ बहुत लोग बड़ी मान्यता के साथ बड़े समय से आते हैं। पश्चिम दिशा के लिए हमें नहीं लगा इससे अच्छी कोई और जगह हो सकती। सांसद विनोद चावड़ाए पवित्र यात्रा धाम गणाव्यू। सांसद विनोद भाई चावड़ा पण उपस्थित रह्या हता, जेमणे जणाव्यु हतु के केशवानंद बापूनी चैतन्य अने पवित्र भूमि पर रामकथानो आयोजन करायो, जेनो लाभ लेवा अवसर मळ्यो। अही गायोनी सेवा थाय छे, संस्कृत पाठशाळा चाले छे। पीएम मोदीए शुभकामनाओ पाठवी हती, जे अवसर ऐतिहासिक बनी रह्यो। धर्मरक्षण, समज रक्षण तेमज समाजनी सेवा माटे कनकेश्वरी देवीजीनु मार्गदर्शन सतत मळतु रहे छे, जे तेमनु सद्भाग्य होवानु पण जणाव्यु हतु। गुजरातनी सौराष्ट्रनी मोरबी जिलानी पवित्र भूमि पूज्य गुरुवर केशवानंद बापूजीनी आ चैतन्य अने पवित्र भूमि ऊपर रामकथानु आयोजन चाली रही छे अने माँ पूज्य श्री श्री कंकेश्वर देवीजी एमना नेतृत्व में आजे जारे देशना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेबे हनुमान जी महाराज की 108 फूटनी भव्य प्रतिमा नु अनावरण कर्यु, आपड़ा सौ माटे एक आनंदनी वात छे। मोरबी जिलाने एक पवित्र यात्राधाम मळ्युं छे, एक रमणीय स्थळ मळ्युं छे। अहींया गायोनी सेवा करवामां आवे छे, अहींया संस्कृत पाठशाला शाळा पण चाले छे। अतिथि गृह थी मांडी करीने अहींया अनेक मंदिरोनुं पण निर्माण थयुं छे, अनेक यात्राळु अहींया आवे छे। अने जे रीते देशना प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबे आजे आपने सौने शुभकामनाओ पाठवी, હું પણ પૂજ્ય માને વંદન કરું છું અને ધર્મના રક્ષણ માટે સમાજની સેવા માટે અવિરત એમની સેવા એમનું માર્ગદર્શન આપણને મળતું રહે। આજે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ભારત સરકારના નરેન્દ્રસિંહજી તોમર, અમારા પાર્ટીના મહામંત્રી શ્રી કૈલાસ વિજયવર્ગીયજી, અનેક સાધુ સંત મહાત્માઓની ઉપસ્થિતિની અંદર આજે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન આજે મોરબી મધ્ય થયું હતું। કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રામકથાની પૂર્ણાહુતિ અને 108 ફૂટ ઊંચી હનુમાનજી પ્રતિમા અનાવરણ નિમિત્તે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે 108 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાનું પીએમ મોદીએ અનાવરણ કર્યું તે પ્રસંગે ઐતિહાસિક છે, તેઓ અવસરના સાક્ષી બન્યા તે સૌભાગ્ય હોવાનું જણાવ્યું હતું। મહામંડલેશ્વર કનકેશ્વરી દેવીજી સાથે વર્ષોથી જોડાયેલા છે, જોકે મોરબી પ્રથમ વખત આવવાનું બન્યું છે। ભગવાન રામની પરંપરા છે તે ભારતની પરંપરા છે, ભારત સમગ્ર દુનિયાને શાંતિનો સંદેશ આપે છે, તે પરંપરા મુજબ ભાજપ કાર્ય કરતું હોવાનું જણાવ્યું હતું। ભાજપ માટે પ્રથમ દેશ, બાદમાં પાર્ટી અને છેલ્લે વ્યક્તિ આવે તેમ જણાવ્યું હતું। હનુમાન જયંતી કે પાવન પર્વ પર મોરબી કે ઇતિહાસ મેં આજ એક ઓર નયા આયામ જોડાયો। આજ કે દિન खोखरा हनुमान जी के इस प्रांगण में 108 फुट ऊंचाई की हनुमान जी की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पित हुई है, यह निश्चित रूप से मेरे जीवन में भी ऐतिहासिक क्षण है और मोरबी के जीवन में भी ऐतिहासिक क्षण है। मुझे खुशी है कि इस क्षण का मैं हिस्सा बन सका और इस अवसर पर बहुत सारे हमारे मोरबी और गुजरात के भाइयों के बहनों के दर्शन करने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महामंडलेश्वर पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी से मैं
मैं लगभग 25-30 साल पहले से जुड़ा हूँ। जो अवसरे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजप राष्ट्रीय महासचिव कैलास विजय वर्गीय, सांसद विनोद चावड़ा, सांसद मोहन कुंडारिया, मंत्री ब्रिजेश मेरजा, विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य तेमज स्थानिक आगेवान उपस्थित रहा था। रवि मोटवाणी नो रिपोर्ट, S9 न्यूज, मोरबी।